बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना मैकेनिक्स का सबसे टफ चैप्टर में काउंट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे। ऑब्वियसली टफ है तो इसका मतलब ये हर एक एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ ऑब्वियसली क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होगा। से जब नीट एंट्रेंस में आएगा तो ये डिफरेंट लेवल पे आएगा। अगर ये जे मेन एंट्रेंस में आएगा तो ये डिफरेंट लेवल पे क्वेश्चन इसका फ्रेम किया जाएगा। और नेचुरली अगर ये जे एडवांस लेवल पे आएगा तो इसका एक जो लेवल होगा वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल होगा। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टार्ट करने से पहले देखो बच्चे ध्यान देंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर मेरे को क्लियर करना है तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को दो स्पेशल मोशंस की तो नीड पड़ी पड़ेगी। जब हम उन दोनों स्पेशल मोशन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्लियर कर पाएंगे। क्लियर अगेन, सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा पीरियोडिक मोशन कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन। जब हम पीरियोडिक और ऑसिलेटरी दोनों मोशंस को डिस्कस कर लेंगे तभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे हेडिंग लिखें आप लोग पीरियोडिक मोशन। हम लोगों ने ये पीरियोडिक मोशन टर्म जो है बहुत पहले भी यूज किया हुआ है, ठीक है ना। अगर हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि आप बताइए पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, इवन अगर आप भी अभी भी सोचे अपने मन में तो आप बोलेंगे कि वो टाइम इंटरवल जिसके बाद में बॉडी जहां पर थी यस लौट करके अगर वहीं पर आ गई, क्लियर हुआ ये, और इस मोशन को अगर बार बार कॉपी कर रही है, क्लियर हुआ, तो जहां पर थी लौट करके वहां पर आने का जो मिनिमम टाइम होगा इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। मैक्सिमम बच्चे ये बोलते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बट ये डेफिनेशन टेक्निकली गलत है। कैसे गलत है इस बात को अभी मैं क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है अभी इसको आप भूल जाइए। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा आप लोगों को हूं, ठीक है ना। मैंने क्या करा, देखिए बच्चे मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया। मैंने क्या करा, एक सिंपल सा पेंडुलम लिया, ये एक मासलेस स्ट्रिंग ली और इसका एक एंड तो सीलिंग में फिक्स कर दिया और जो दूसरा बेटे एंड है यहां पर मैंने क्या करा, एक पॉइंट मास, इसको बॉब बोलते हैं, गैस यहां पर अटैच किया। ठीक है, अब क्या करा मैंने इसको एक हल्का सा टूवर्ड्स राइट एक इंपल्स दिया। देखो ऐसे हल्का सा हमने क्या करा, टूवर्ड्स राइट एक इंपल्स दिया तो नेचुरली ये इधर जाएगा, एग्री करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद में ये तब तक आगे आता रहेगा जब तक कि इसकी स्पीड जीरो नहीं हो जाएगी और नौ इसके बाद देखो देखिए ये रिटर्न बैक आएगा, ये उसी पाथ पर आएगा। मैं अलग पाथ शो कर रहा हूं ताकि आपको बताने के लिए, ठीक है ना। यस ये आ गया। अब बच्चे ध्यान दीजिए, अगर हम ये बोलते कि जहां पर था लौट करके वहीं पर आने का जो टाइम होगा मिनिमम उसको बोलेंगे हम लोग वन टाइम पीरियड, तो फिर ये हो जाएगा वन टाइम पीरियड, जबकि ऐसा नहीं होता है। वन टाइम पीरियड जो है अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो सिंपल पेंडुलम में वन टाइम पीरियड डिफाइंड ऐसे नहीं होता है, पहले ये इधर गया फिर ये इधर आया फिर ऑब्वियसली ये इधर जाएगा अपने एक्सट्रीम पे, अगेन इसकी स्पीड जीरो होगी और देन इसके बाद फिर से ये बैक रिटर्न करेगा और लौट करके अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे दोबारा आ जाएगा। यस ये जो ओवरऑल मिनिमम टाइम इंटरवल हुआ, देखिए ऐसे 1, 2, 3 एंड 4, ये ओवरऑल जो टाइम था इसको हम बोलेंगे वन टाइम पीरियड। तो जो अगर हम ये बोलते हैं कि भी कॉन्जिगेटिव अपीयरेंस जहां पर था दोबारा वहां पर आने में, क्लियर हुआ, जो टाइम लेगा उस मिनिमम टाइम को अगर हम टाइम पीरियड कहेंगे तो वो डेफिनेशन यहां पर फेल कर रही है। एग्री करते हैं बेटे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने इसको सबसे पहले इंपल्स दिया टूवर्ड्स राइट, एग्री करते हैं, तो मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी इस जगह पर वी दी, वी और टूवर्ड्स राइट दी। मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ना कि बोल रहा हूं स्पीड। एयर ड्रैग हमेशा हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जब ये लौट करके दोबारा यहां पर आएगा तो उसी पॉइंट पर अगर हमने एयर ड्रैग को जीरो मान रखा हुआ है जो मानते हैं ज्यूम करते हैं तो उस पॉइंट पर स्पीड तो भी आ जाएगी बेटे, लेकिन डायरेक्शन देखो देखिए अभी अपोजिट आएगी, डायरेक्शन मैच नहीं कर पा रही है। फिर ये इधर गया फिर ये लौट के आया, एयर ड्रैग नहीं है, तो जब वो दोबारा वहां पर आएगा तो अगेन भी उसी स्पीड पर आएगा और इस बार जब वो यहां से लौट करके आएगा तो उसी स्पीड और उसी डायरेक्शन को कॉपी करेगा, मतलब वेलोसिटी को कॉपी करेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, उसी वेलोसिटी को कॉपी करेगा। एग्री करते हैं, क्लियर हुआ ये। यस वो मिनिमम टाइम इंटरवल, ध्यान दो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं, वो मिनिमम टाइम इंटरवल जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन, अपना पोजीशन और वेलोसिटी, मैंने बोला पोजीशन एंड वेलोसिटी
को रिपीट कर देती है, उस मिनिमम टाइम इंटरवल को हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। मैंने बोला पोजीशन एंड वेलोसिटी। अगर मैं पोजीशन ना बोलता तो यहां पर देखो, देखिए जीरो वेलोसिटी है और यहां पर भी जीरो वेलोसिटी है, तो यहां से लेकर के यहां आने का जो टाइम होगा ये होता टाइम पीरियड, जबकि ऐसा नहीं होता है। या अब मैंने बोला पोजीशन एंड वेलोसिटी, तो इस पोजीशन पे जब वो दोबारा आएगा तभी वो अपनी वेलोसिटी को रिपीट करेगा। तो यहां से गया, दोबारा यहां पर आया, ये टाइम मिनिमम टाइम भी वन टाइम पीरियड ही होगा। अगर हम यहां पर देखेंगे तो देखो, देखिए पहले इधर गया फिर इधर आया, तो पोजीशन तो रिपीट हो गई बट लेकिन डायरेक्शन चेंज भी हो गई, अभी वेलोसिटी कॉपी नहीं हो पाई है। तो और आगे जाएगा, पहले इधर आया फिर इधर आया, अब इधर आया। अब जब यहां पर दोबारा आया तब पोजीशन एंड वेलोसिटी को उसने रिपीट कर लिया, तो ये जो मिनिमम टाइम होगा इसको बोलेंगे हम लोग टाइम पीरियड। मेरा पॉइंट शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन, मैंने क्या बोला? मोशन। मैंने कई बार बताया बेटे आपको हुआ है कि मोशन गवर्निंग पैरामीटर, मैंने बहुत बार लिखवाया आपको हुआ है, मोशन गवर्निंग पैरामीटर इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ना कि वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिकॉज वेलोसिटी दो तरह की होती है, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द मोशन गवर्निंग पैरामीटर। तो रिपीट नोट करेंगे, व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन, अपने मोशन को रिपीट करती है, मतलब अपने मोशन मींस अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिपीट करती है। यहां पर वेलोसिटी इधर थी, जब ये यहां पर आया तो वेलोसिटी इधर थी, अभी रिपीट नहीं कर पाई है, फिर इधर गया फिर इधर आया। अब देखो, देखिए वेलोसिटी को रिपीट किया हुआ है तो उसको बोलेंगे यस, व्हेन अ बॉडी रिपीट इट्स मोशन आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल वी से दैट इट इज इन पीरियोडिक मोशन एंड द मिनिमम टाइम इंटरवल, मिनिमम टाइम इंटरवल, वो मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच द पोजिशन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी को डबल लाइन करेंगे, जहां पर था उसी पोजिशन पे भी आए और साथ में एग्जैक्टली उसी वेलोसिटी को रिपीट करेगा, इज रिपीटेड, इज कॉल्ड द टाइम पीरियड टी। एग्री करते हैं? ठीक है। और हमको पता बेटे है द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर हुआ? फ्रीक्वेंसी का सिंबल कुछ बुक में एफ लिखा होता है, किसी बुक में इसको हम लोग बोल देते हैं एन, कहीं पर इसका सिंबल हम न्यू लिख देते हैं, ठीक है ना। एक ही बात है, हम लोग एफ यूज करेंगे, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, पहले हमने पीरियोडिक मोशन को डिस्कस किया। अब आप स्क्रीन को पहले पॉज करके आप पीरियोडिक मोशन को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों अब नेक्स्ट मोशन आता है ऑसिलेटरी मोशन। अभी मैंने फिनिश किया पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड मैंने क्लियर किया। अब सेकेंड मोशन आता है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेशन, जैसे सिंपल पेंडुलम को लिया मैंने और इसको मैंने एक इंपल्स दिया टुवर्ड्स राइट, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो कोई भी मोशन अगर किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो, जितना इधर हो उतना ही उधर हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग है ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर हुआ? ये कोई भी मोशन किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो, जितना उधर हो उतना ही इसकी अपोजिट साइड में हो जाए, अगर कॉपी कर रहा है तो और ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे करे अगर वो, तो उसको बोलते हैं हम लोग हैं ऑसिलेटरी मोशन। एग्री करते हैं? बच्चों एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में अपने जहन में उतार लीजिए कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर ऑलवेज पीरियोडिक। जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस होंगे दे आर ऑलवेज पीरियोडिक, वेदर देयर ऑसिलेशंस आर डैम्ड और अनडैम्ड। देखो बच्चे, ये देखिए मैंने इसको राइट इंपल्स दिया तो ये ऐसे घूम रहा है, जितना उधर गया उतने उधर गया, तो ये अनडैम्ड हो गया। अगर हम एक्चुअल में देखेंगे, एक्चुअल में एयर भी होती है, तो हमने इंपल्स दिया तो नेक्स्ट टाइम यहाँ और कम जाएगा, ऐसे करते करते धीमे धीमे क्या होगा, ये स्लो डाउन कर जाएगा। लेकिन इसको बोलेंगे डैम्ड मोशन। चाहे ऑसिलेशन डैम्ड हो या अनडैम्ड हो, टाइम पीरियड कैसा आएगा? सेम आएगा। क्यों? आपको लग रहा होगा देखिए कि पहले तो ज़्यादा जाएगा, बाद में वो कम जाएगा तो टाइम कम लेगा, ऐसा नहीं है। जब वो ज़्यादा जाएगा तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, तेजी से बहुत तेज चलेगा तो उतने ही टाइम में ज़्यादा कवर कर लेगा, और जब ये कम छोटा जब ये छोटा पाथ ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, तो उतने ही टाइम में अगर वो स्लो स्पीड चलेगा तो कम पाथ को ट्रेवल कर पाएगा, इसलिए टाइम पीरियड सेम आता है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आप लोगों को कि भाई चाहे जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं दे आर ऑलवेज पीरियोडिक, वेदर देयर ऑसिलेशंस आर डैम्ड और अनडैम्ड। मतलब अगर कभी हम लोगों को डैम्ड मोशन का, डैम्ड ऑसिलेटरी मोशन का फाइंड करना है टाइम पीरियड,
तो हम क्या करेंगे, हम उसको अनडैम्ड में कन्वर्ट कर लेंगे और जो अनडैम्ड कंडीशन पे उसका टाइम पीरियड आएगा वही डैम्ड कंडीशन पर भी उसका टाइम पीरियड आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोल दिया, एग्री करते बच्चे हैं, ठीक है ना। तो सबसे देखो पहले बेटे देखो क्या लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हमने ऑसिलेटरी मोशन। इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, कैसे मूव कर रही है, टू एंड फ्रो ऑन द सेम पाथ, एक ही पाथ पे जितना उधर गया उतना उधर गया, टू एंड फ्रो मूव कर रही है, देन इट इज कॉल्ड एन ऑसिलेटरी मोशन, तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। मैंने नोट में एक पॉइंट लिखवाया आप लोगों को, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर ऑलवेज पीरियोडिक, जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस होंगे दे आर ऑलवेज पीरियोडिक, चाहे उनका ऑसिलेशन डैम्ड हो या अनडैम्ड हो। अगर अनडैम्ड होगा, देखिए ऐसे हो गया, डैम्ड अगर होगा तो पहली बार में ज़्यादा ट्रेवल करेगा, सेकेंड बार में कम पाथ को ट्रेवल करेगा, थर्ड में और कम करेगा, लेकिन साथ में उसकी स्पीड भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल कर लेगा गिवन टाइम में, कम स्पीड से उतने टाइम में कम ट्रेवल करेगा, सो दैट टाइम टेकन कैसा आएगा, सेम आएगा। क्लियर हुआ बेटा ये। इसके बाद बच्चे हड़ी लिखी आती है टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, क्लियर है ये। तो ऑसिलेशन को बेटे हम लोगों ने तीन टाइप में डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन पहला होता है फ्री ऑसिलेशन, आप शासन नोट भी करते रहेंगे, यस। पहला क्या होता है फ्री ऑसिलेशन, फर्स्ट फ्री ऑसिलेशन का मतलब हो गया से फॉर एग्जांपल ऑसिलेशन इन वैक्यूम, अगर है ना, से फॉर एग्जांपल कह सकते हैं ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, मतलब उसमें डैम्पिंग नहीं हो रही है, विदाउट अनडैम्ड फ्री ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम फॉर एग्जांपल ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इन वैक्यूम, मतलब फ्री ऑसिलेशन कब होगा, जब ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड में कोई चेंज ना आए। मतलब जैसे मैंने एक पेंडुलम को लिया और यहां से फिक्स करके इसको हमने स्टार्ट कराया मैंने इसका ऑसिलेशन, और ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, तो देखो देखिए हर बार ये उतना ही जा रहा है, बाद में बार बार ये कम नहीं हो रहा है कि पहले बार ज़्यादा गया नेक्स्ट टाइम में तो कुछ कम गया, ऐसा नहीं हो रहा, हर बार वो बिल्कुल सेम अमाउंट पे जा रहा है जितना, ये इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एक तरफ जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस करेगा उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो फ्री ऑसिलेशन का मतलब हो गया कि ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड एक बार आ गया वो थ्रू आउट द एंटायर जर्नी वो सेम रहेगा, वो बाद में चेंज नहीं करेगा, कम नहीं होगा। एग्री करते हैं, इसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन या बोल सकते हैं अनडैम्ड ऑसिलेशन। दूसरा बेटे होता है डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है, डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एयर, अगर हम एयर में पेंडुलम को ऑसिलेट कराएंगे बच्चे, ठीक है, यहां पर तो ये ऐसे जा रहा था, लेकिन अगर हम एयर में पेंडुलम को ऑसिलेट कराएंगे तो पेंडुलम का ऑसिलेशन कुछ इस टाइप का होगा, पहले ये ज़्यादा जाएगा, फिर ये और कम जाएगा, फिर ये और कम जाएगा, ऐसे लगातार कम होता चला जाएगा, ये एक ही जगह करेगा, ऐसा नहीं करेगा नीचे आ जाएगा, लेकिन बताने के लिए पहले ज़्यादा गया फिर कम गया फिर और कम गया फिर और कम गया, इस तरह से कार्य करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग डैम्ड ऑसिलेशन। और इस तरह का हमको ऑसिलेशन के लिए एग्जांपल क्या लिया मैंने कि ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एयर, बिकॉज एयर जो होगी वो अपने एयर रेजिस्टेंस के थ्रू वाइब्रेशन को ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम को डैम करेगी, धीमे धीमे कम करती चली जाएगी। इसके बाद थर्ड आता है फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्थ ऑसिलेशन। देखो बच्चे, अगर हमने सिंपल पेंडुलम को एयर में ही हमने इसको हमने ऑसिलेट कराया, देखो अगर हमने क्या करा इसको एयर में कराया ऑसिलेट, तो नेचुरली जैसे कि पहली बार में जितना जाएगा, जितना यहाँ से आगे जाएगा, जब ही रिटर्न करके अपोजिट साइड जाएगा तो अपोजिट साइड में कुछ कम जाएगा, बिकॉज एयर उसकी स्पीड को रिटार्ड कर देगी। क्यों? बिकॉज जब वो देखिए यहाँ पर गया था तो उसकी स्पीड थी से वी नॉट, अब एयर है तो एयर उसकी स्पीड जब वो लौट करके आएगा, लौट कर रिटर्न करेगा
तो लौट करके आएगा तो एयर रेजिस्टेंस उसके मोशन का अपोज करेगा, तो धीमे धीमे रिटार्ड करेगा। तो जब वो लौट करके यहाँ पर दोबारा पहुँचेगा तो उसकी स्पीड वी नॉट से कुछ कम हो जाएगी। तो लौट करके जब ये दोबारा इस साइड पर आएगा तो इसकी जो स्पीड होगी बच्चे वो वी नॉट से कुछ कम हो जाएगी, से वी नॉट माइनस हो जाएगी जब रिटर्न लौट करके आएगा। एग्री करते हैं? ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये अब अगर वी नॉट से कम होगी तो नेचुरली अब ये इस साइड में कम जा पाएगा और पहले ही रुक जाएगा, जितना यहां गया था उससे कुछ कम जा करके यहां रुक जाएगा। मैं चाहता हूं कि जितना ये यहां पर गया था, जितना डिस्टेंस ट्रेवल इसने इधर की तरफ की थी, एग्जैक्टली उतनी इधर की तरफ करे। तो हमको मैनुअली इसके इस पोजीशन पे, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, जो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन का जो सेंटर आया, क्लियर हुआ? तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पे अगर हमने एक इंपल्स जनरेट किया, एक फोर्स लगाया और फोर्स हमने इसको प्रोड्यूस किया, फोर्स इतना लगाया, अप्लाई किया बाहर से कि इसकी जो स्पीड थी वो वी नॉट माइनस से कम से बढ़ करके अगेन कितनी हो जाए, वी नॉट हो जाए, तो ये अगेन उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना किसने अपने राइट साइड में ट्रेवल किया था। एग्री करते हैं? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑसिलेशन में हम डैम्पिंग को कंपनसेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। एग्री करते हैं? तो बोलेंगे फोर्स ऑसिलेशन। अब सवाल ही पैदा होता है कि मान लीजिए अगर मेरे को एग्जैक्टली इसी मोशन को एयर में रिपीट कराना है ताकि जितना एम्पलीट्यूड राइट साइड पे आया हो उतना ही लेफ्ट साइड पे आया हो, एग्री करते हैं? तो हमको क्या करना पड़ेगा, मीन पोजीशन पे जब वो पहुंचेगा तो उसकी स्पीड वी नॉट से कुछ कम हो जाएगी, पहली बार से कुछ कम हो जाएगी। तो जितनी कम थी हमको पहली बार के बराबर करने के लिए जितनी 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 एक्स्ट्रा कम हो रही थी उतना हमको बाहर से फोर्स के थ्रू सप्लाई करना पड़ेगा, एक इंपल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक फोर्स देना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, हमने फोर्स के थ्रू ऑसिलेशन को जनरेट करा और फोर्स के थ्रू हम ऑसिलेशन को अनडैम को डैम्प में और डैम्प को अनडैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्री करते हैं? ठीक है ना, तो ये एग्जांपल आ गया मैंने दिया फोर्स ऑसिलेशन का। तो फोर्स ऑसिलेशन में मैं लिख सकता हूं कि डैम्पिंग इज कंपेंसेटेड, डैम्पिंग इज कंपेंसेटेड with the help of external force। क्लियर हुआ ये? तो ये बेटे मैंने जो है ऑसिलेटरी मोशन को क्लियर किया। हाँ, इन तीनों टाइप ऑफ ऑसिलेशन में, फ्री ऑसिलेशन या इसको बोलते हैं अनडैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन में हमारा मेजर जो फोकस होगा इस चैप्टर में वो फ्री ऑसिलेशन पे होगा। अनलेस एंड अल्टिन आप लोगों को बता देगा एग्जामिनर कि यार आपको लैंग्वेज से क्लियर हो जाएगा कि यार ये डैम्ड ऑसिलेशन है या ये फोर्स ऑसिलेशन है। जब तक आपको लैंग्वेज से क्लियर ना हो पा रहा हो कि ये ऑसिलेशन डैम्ड है, अनडैम्ड है या फोर्स्ड है, तो हमेशा उसको आप अनडैम्ड या फ्री ऑसिलेशन को लेकर के ही करेंगे। ये इमेजिंग करेंगे कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो वैक्यूम में कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बच्चों अब हम लोगों ने पीरियोडिक मोशन की स्टडी कर ली, ऑसिलेटरी मोशन की स्टडी कर ली, नाउ अब हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेसिकली अब हम SHM पे एंट्री कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे अब एंट्री कर रहे हैं। SHM को क्लियर करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने एक बहुत ही बेसिक, अभी क्या लिखा हुआ इसको भूल जाइए, पहले आप इसको बाद में कॉपी करिएगा, पहले समझिए। मैंने क्या करा, मैंने एक स्प्रिंग ली, देखिए ये हॉरिजॉन्टल एक स्प्रिंग है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक मास अटैच किया, एक इसका एंड फिक्स कर दिया स्प्रिंग का और दूसरे एंड पे मैंने एक मास M अटैच किया, ठीक है बेटे? आप ध्यान दें तो इस जगह पर स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पोजीशन पे है, ये क्या हो गया, ये हो गया ओरिजिनल लेंथ पोजीशन, ओरिजिनल लेंथ पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। मतलब इस स्टेज पे स्प्रिंग ना कंप्रेस्ड है और ना ही एलोंगेटेड है, तो इस टाइम पर स्प्रिंग फोर्स के एक्स वाला एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आता है के एक्स, वेयर एक्स इज द कंप्रेशन और एक्सटेंशन इन स्प्रिंग ओवर इट्स ओरिजिनल लेंथ पोजीशन, ठीक है ना? तो ना ये कंप्रेस्ड है ना ये एक्सटेंडेड है, तो मतलब ओरिजिनल पोजिशन से स्प्रिंग में जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है, बिकॉज के एक्स वाला एक्स जो है जीरो हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स जीरो आ जाएगा। हाँ, टेक्निकली अगर आप देखें तो हमने पढ़ा हुआ है कि स्प्रिंग फोर्स टेक्निकली काइनेमेटिकली बेटे होता है माइनस के एक्स, एक्स का तो मैंने मीनिंग क्लियर कर लिया कि एक्स इज द
कंप्रेशन और एक्सटेंशन इन स्प्रिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेंथ पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्प्रिंग कितना कंप्रेस या कितना एलोंगेटेड हो चुकी है। माइनस साइन शो करता है कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है कि हमेशा वो स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल लेंथ पे लेके आने की ट्राई करती है। मतलब अगर मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो फोर्स इधर लगेगा ताकि वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पर आ जाए, और दोनों एंड पर जो फोर्स आता है वो इक्वल और अपोजिट आता है, ठीक है ना। तो kx अगर यहाँ पर भी आएगा तो kx यहाँ पर भी आएगा, ऑल्दो ये वाला एंड फिक्स है वो एक अलग बात है। अगर मैंने स्प्रिंग को एलोंगेट किया तो अब ये वाला एंड चाहेगा कि मैं इधर मूव, ये तो फिक्स है, ये तो मूव ही नहीं कर पाएगा, तो ये चाहेगा मैं कहाँ मैं अपने आप को ओरिजिनल लेंथ पर लेके आऊँ, तो स्प्रिंग फोर्स इधर वाले ब्लॉक पे इधर आएगा, तो इधर वाले ब्लॉक पे इधर आएगा, ताकि स्प्रिंग जल्दी श्रिंक करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। एग्री करते हैं, नेगेटिव भी बताता है। अब से फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मैंने इस स्प्रिंग मैंने ब्लॉक को हल्का सा कुछ एक्स अमाउंट आगे की तरफ एक्सटेंड किया, मैं इसको हल्का सा आगे ले आया, स्प्रिंग कुछ एक्सटेंड कर गई, ऐसे आ गई, ठीक है। अब बताइए x, पहली बात तो शायद ये क्लियर हो गया होगा कि ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर रहा है, ये वैल्यू आ गई x, ओरिजिनल पोजीशन से कितना कंप्रेस है, कितना एलोंगेटेड है या एलोंगेटेड है। अब अगर स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स को देखिए इस पे जो है वो इधर की तरफ आ रहा है, k इंटू एक्स का आ रहा है, हाँ इस पे mg लग रहा है, इस पे n लग रहा है, mg और n आपस में कैंसिल कर रहे हैं, तो केवल रिजल्टेंट फोर्स एक ही बच रहा है kx, और देखिए ये जो फोर्स है ये रीस्टोरिंग फोर्स है। मैंने बॉडी को x अमाउंट अगर डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स राइट साइड तो फोर्स देखो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, ताकि वो ब्लॉक को रिस्टोर कर रहा है अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे जहां पर वो था। एग्री करते हैं, क्लियर हुआ ये, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं ब्लॉक को हल्का सा आगे लाके छोड़ दूंगा तो ये फोर्स इसको अगेन इसको अपनी पोजीशन पे लेके आने की ट्राई करेगा। हाँ, जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये एक्सीलरेट हो रहा होगा, यहाँ पर इसका एक्स तो जीरो हो गया, स्प्रिंग फोर्स तो जीरो हो गया, बट स्पीड मैक्सिमम होगी, तो ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये आगे चला गया। जैसे आगे गया तो स्प्रिंग दबना चालू हो गई, स्प्रिंग कंप्रेस करेगी, जैसे स्प्रिंग कंप्रेस करेगी अब ये इसको रिवर्स में फोर्स अप्लाई करेगी, क्लियर हुआ ये, तो धीमे धीमे ब्लॉक रिटार्ड करेगा और कुछ डिस्टेंस आने के बाद ब्लॉक रुक जाएगा, बट तब तक स्प्रिंग एक अच्छा खासा अमाउंट तक कंप्रेस हो चुकी होगी, क्लियर हुआ। तो फोर्स लग रहा होगा, अब ये रिवर्स मूव करेगा और फिर ये अपनी जैसे ही पहुंचेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचेगा उस टाइम पर उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, स्पीड है और फोर्स जीरो हो गया, बिकॉज अपनी जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद में अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगी उस टाइम पर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बट स्पीड मैक्सिमम थी, फिर ये क्रॉस करके आगे चला जाएगा और फिर से ये अपने इस तरह के मोशन को रिपीट करता चला जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन को रिपीट करता चला जाएगा। और जो मोशन टू एंड फ्रो हो रहा है वो हमेशा कैसा होगा, पीरियोडिक होगा, एग्री करते हैं, ऑसिलेटरी कहलाएगा। इस स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन मोशन में अगर आप गौर करें तो जो बॉडी मास m की जो ऑसिलेट कर रही थी उसका ऑसिलेशन बेटे एक आर्क में नहीं है, पेंडुलम वाले में तो एक आर्क में होता है, इसका ऑसिलेशन देखो देखिए किस में है, एक स्ट्रेट लाइन में है, नंबर वन ऑसिलेशन तो होना ही चाहिए, और इस बार ऑसिलेशन ऑफ बॉडी कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन में हो गया, नंबर वन पहला पॉइंट क्लियर किया। प्लस 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 ध्यान दीजिएगा, देखिए जो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, कौन सा फोर्स मैंने बोला रीस्टोरिंग फोर्स, नाम जस्टिफाई है, नाम जस्टिफाई क्यों है, बिकॉज ये जो फोर्स है वो हमेशा उसको अपनी देखिए जहां पर इक्विलिब्रियम था, जहां पर नेट फोर्स जीरो था, क्लियर हुआ, उसी जगह पे लेके, हाँ ओरिजिनल लेंथ पोजीशन को हम इस बार इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहेंगे, क्यों कहेंगे बताता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि इस पोजीशन पे जब वो होगा तो mg और n भी कैंसिल कर रहे होंगे और साथ में x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो नेट फोर्स kx वाला भी जीरो हो जाएगा, तो कोई नेट फोर्स सबका सम कितना आ गया, जीरो आ गया, और जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा उसको बोलते हैं हम लोग हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, मेरा पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। तो आप देखिए इस केस में जो ऑसिलेशन हुए वो स्ट्रेट लाइन पे हुए, तो SHM के लिए दो कंडीशन और एक्स्ट्रा होनी चाहिए। पहली बात तो SHM एक ऑसिलेटरी मोशन है और हमने पढ़ा तो कहा हुआ है कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं दे आर ऑलवेज पीरियोडिक, तो SHM एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है जहां पर मोशन ऑफ द बॉडी, जहां पर बॉडी का ऑसिलेशन एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, प्लस प्लस जो एक्सीलरेशन है, मैंने क्या बोला, जो एक्सीलरेशन है या फोर्स है, बेटे एक बात बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा हुआ है F इक्वल्स टू MA, क्लियर हुआ, m एक पॉजिटिव स्केलर है,
तो अगर एक किसी वेक्टर में पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम आएगी, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की होगी। एग्री करते हैं? ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है जहां पर ऑसिलेशन एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे प्लस जो फोर्स है या एक्सीलरेशन है उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होनी चाहिए, ऑलवेज टुवर्ड्स दैट पॉइंट, उस पॉइंट के तरफ होनी चाहिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स या नेट टॉर्क जीरो आ रहा है। मैंने बोला नेट फोर्स या नेट टॉर्क जीरो आ रहा है। अगर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है तो फोर्स की बात करेंगे, अगर मोशन रोटेशनल मोशन है तो हम टॉर्क की बात करेंगे। एग्री करते हैं? यस। तो एक्सीलरेशन या फोर्स की डायरेक्शन जो है वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आनी चाहिए, क्लियर हुआ ये? और साथ में जो एक्सीलरेशन है वो इस एक्स के प्रोपोर्शनल भी करना चाहिए, जहां पर एक्स या थीटा, एक्स हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसके प्रोपोर्शनल भी करना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन होल्ड कर रही हैं तो उस स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। देखो बच्चों मैंने यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, द एस एच एम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अगर ये ऑसिलेटरी मोशन है तो डेफिनेटली ये पीरियोडिक होगा, हम पहले कर चुके हैं, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर ऑलवेज पीरियोडिक इन विच द पार्टिकल ऑसिलेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। या जो पार्टिकल है उसका जो ऑसिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, एंड एक्सीलरेशन या बोल सकते हैं हम लोग हैं फोर्स, क्लियर हुआ, ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। और वो जो फिक्स पॉइंट है उसको बहुत सारे नाम होते हैं, उसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, बिकॉज इस पॉइंट से जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा अंडर अनडैम्ड कंडीशन, है ना, वैक्यूम में मारना एक्सपेरिमेंट है, तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन हो गया। या इसी को बोलते हैं मीन पोजीशन, एवरेज, यहाँ जितना इधर जाएगा उतना इधर गया, उसका मिड पॉइंट मीन पोजीशन हो गई, उसी को बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ ऑसिलेशन या मीन पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों ध्यान दो मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चे पढ़ा आपने होगा कि इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अगर बॉडी को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मतलब जहां पर नेट फोर्स या नेट टॉर्क जो भी होना होगा जो जीरो होगा, क्लियर होगा, मैटर करेगा मोशन कैसा है, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, या अगर वो कंबाइंड मोशन है तो वहां पर फोर्स भी जीरो होना चाहिए और टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। तो अगर हमने बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्टर्ब किया, क्लियर हुआ ये, और छोड़ा और बॉडी दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे लौट के आ गई, तो उस इसका मतलब उस वो 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 इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी। एग्री करते हैं? मैंने बॉडी को हल्का सा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिलीज किया, हल्का सा डिस्प्लेस किया, छोड़ा तो बॉडी और डिस्प्लेस कर गई, दोबारा कभी भी लौट के नहीं आ पाई अपनी उसी पोजीशन पे, उसको बोलेंगे अन, इसका मतलब इस पॉइंट पे जहां से मैंने बॉडी को डिस्टर्ब किया था वो वाला पॉइंट जहां पर इक्विलिब्रियम था वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल कहलाएगा। मैंने बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मैं चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, मैंने यहां से इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को मैं हल्का सा डिस्टर्ब किया, छोड़ दिया, बॉडी वहीं रुकी रही, ना तो और डिस्प्लेस हुई ना दोबारा लौट के आने की ट्राई कर रही है, इसका मतलब उस जगह पर इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम बेटे तीन तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। आप चेक करो बेटे, देखो बच्चे जैसे मैंने स्प्रिंग को लिया और मैंने ओरिजिनल पोजीशन से मैंने स्प्रिंग को हल्का सा आगे खींचा, बताइए स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, स्प्रिंग को पीछे लगेगा, मतलब स्प्रिंग जो फोर्स है वो हमेशा बॉडी को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आने की ट्राई कर रहा है। और हमने पढ़ा हुआ था कि अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम से हल्का सा डिस्टर्ब करें, छोड़ें, और अगर बॉडी अगेन अपनी उसी पोजीशन पे आने की ट्राई करती है तो वो वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल कहलाता है। और SHM में मैंने बताया कि भाई जो एक्सीलरेशन है, कंडीशन है कि ऑसिलेशन स्ट्रेट लाइन में तो होंगे होंगे, साथ में जो एक्सीलरेशन एंड हैंड फोर्स जो है, अगर मैंने यहां से इसको राइट डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस किया तो फोर्स कहां लग रहा होगा, लेफ्ट लग रहा होगा, मींस फोर्स उसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने की ट्राई कर रहा होगा। मैं इसको अगर एक्स कंप्रेस करता, डिस्प्लेस मैं यहां करता, देखो स्प्रिंग फोर्स इधर लगता, तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा, स्प्रिंग फोर्स क्या चाह रहा है, फोर्स की देखो डायरेक्शन देखिए कहां पर आ रही है, ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब मैं इधर ले गया, आगे ले गया, तब फोर्स की डायरेक्शन देखो देखिए कहां पर आ गई, ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कंडीशन थी, लिखा हुआ है कि भाई एक्सीलरेशन जो है, लिखा तो हुआ, आप चेक करिए कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड, मींस फोर्स एक ही बात है,
टूवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ ऑसिलेशन या मीन पोजिशन कहते हैं, और उस फिक्स पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो हो रहा था तो इक्विलिब्रियम पोजिशन थी, और हमेशा फोर्स, उस फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन ही आ रही है, मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, तो उसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्लियर हुआ ऑन द लाइन? ठीक है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, एंड इट्स क्या बोला गया, मैग्नीट्यूड मीन्स जो एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर ऐसा है तो उस स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन को हम SHM कहेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार जरा आप सबसे पहले स्क्रीन को पॉज करके सबसे पहले तो आप इसको नोट करिए कि भाई SHM की परफेक्ट एब्सोल्यूट डेफिनेशन क्या है, इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने बच्चे। SHM दो तरह का होता है, लीनियर SHM, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दूसरा बेटे होता है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, दोनों ही SHM की बात करेंगे। मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, नंबर वन, और सॉरी ऑसिलेशन जो होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन पे होंगे, और जो एक्सीलरेशन आएगा इस केस में बेटे आएगा लीनियर एक्सीलरेशन, इस केस में आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। यहां पर आएगा ए, यहां पर आएगा अल्फा, उसकी डायरेक्शन जो होगी ऑलवेज टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, और उस फिक्स पोजीशन को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन या मीन पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और साथ में जो एक्सीलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उस पॉइंट, उस बॉडी, उस पॉइंट से, उस स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोपोर्शनल भी करना चाहिए। ठीक है ना, तो लीनियर SHM एंड एंगुलर SHM सही है। लीनियर SHM के लिए बेटे ए इज एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है ना, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्स क्या था, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। माइनस साइन ये बता रहा है कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो है हमेशा उस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। बेटे मैंने इसको प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आया। क्लियर हुआ, उसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आती है। ये अभी आपको याद करना पड़ेगा, और जैसे हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पे पहुंचेंगे तो हम ये मैथमेटिकली प्रूव भी कर लेंगे कि हाँ यार ये जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ही आती है। अभी याद करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ए इक्वल टू माइनस का क्या बेटे आ गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। ये लीनियर SHM के लिए आ गया। ऐसी अगर आप एंगुलर SHM की बात करेंगे तो वहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है ना, तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन ये भी प्रोपोर्शनल करेगा माइनस ऑफ थीटा के। मैंने प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया, यहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ये एंगुलर SHM की कंडीशन हो गई। ठीक है ना, ए स्टैंड्स फॉर लीनियर SHM। क्लियर हुआ, यहां पर ए जो बेटे है वो क्या हो गया, लीनियर एक्सीलरेशन। क्लियर हुआ, ये एक्स क्या था, मैं फिर से बता रहा हूं, एक्स है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, बट ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि ऑसिलेशन किस एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं। नॉर्मली हम थ्योरी में ऑसिलेशन को एक्स एक्सिस के अलोंग मांगते हैं, तो मैंने एक्स लिख रखा हुआ है, ये वाई भी हो सकता है, क्लियर हुआ, ये जेड भी हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ, तो एक्स है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, फ्रॉम, चाहे मैं बोल दूं मीन पोजीशन एक ही बात है, चाहे बोल दें सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, चाहे बोल दें फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसे बेटे यहां पर अगर हम बात करेंगे अल्फा, तो अल्फा यहां पर क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, और थीटा यहां पर क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, वही फ्रॉम मीन पोजिशन या फ्रॉम सेंटर ऑफ ऑसिलेशन या फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन। एग्री करते हैं बेटा ये, ठीक है ना। अच्छा यहां पर देखिए, ये तो क्लियर कर लिया हम लोगों ने ओमेगा, ये जो ओमेगा आ रहा है उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर
फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओमेगा की जो बेटे वैल्यू होती है वो होती है 2πf, जहां पर f क्या होता है फ्रीक्वेंसी, और इसी को लिख सकते हैं, हमको पढ़ा हुआ है f होता है 1/T रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा 2π/T। यस, ये आ गया, एक ही चीज है, जहां पर f हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड t स्टैंड्स फॉर द टाइम पीरियड, जो टी है उसको बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है क्लियर हुआ, उसको डिफाइन कर लिया कि SHM होता क्या है, ठीक है। माइनस साइन का मीनिंग क्लियर हुआ, माइनस साइन का मीनिंग क्लियर किया। नेगेटिव साइन क्या बताता हम लोगों को है कि एस जो है जो जो SHM के लिए जो फोर्स या एक्सीलरेशन है, यहाँ पर एक्सीलरेशन बोलेंगे फोर्स, यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन, यहाँ पर बोलेंगे टॉर्क, एक ही बात है। उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा उस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही होनी चाहिए, और फोर्स और टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो हमेशा उस पॉइंट की तरफ ही है जहाँ पर इक्विलिब्रियम आया था, इसीलिए हम उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। अच्छा, इसमें दो बड़े पॉइंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। नोट करने के बाद मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें दो पॉइंट्स और भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि पहली बात, नंबर वन नोट का, अगर हम आपको फर्स्ट पॉइंट लिखवाएं, ठीक है, SHM जो आ रहा है वो हमेशा ऑसिलेटरी और पीरियोडिक होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लियर हुआ, ये इज ऑलवेज पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी, सबसे पहली बात लिखी है हम लोगों ने, नोट का पहला पॉइंट। नोट का फर्स्ट पॉइंट कि SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज विदाउट एनी इफ एंड बट इज ऑलवेज पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी, मतलब हमेशा पीरियोडिक और ऑसिलेटरी होगा होगा, और साथ में ऑसिलेशन जो होंगे वो आर्क में नहीं होकर के स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, और साथ में फोर्स या एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ ही पॉइंट करती रहेगी, अगर ऐसा है, क्लियर हुआ। और साथ में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट की पावर 1, ना कि उसका स्क्वायर, ना क्यूब, पावर 1 के अगर प्रोपोर्शनल करेगी तो हम बोलेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो SHM इज ऑलवेज पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो बच्चे है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कभी भी अगर हम SHM की बात करते हैं, या आप पहले सोचिएगा अपने मन में कि अगर कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की जाए, तो बच्चों हमेशा आपके मन में पेंडुलम आता है कि पेंडुलम के रिगार्डिंग आप थ्योरी के वाले प्रॉब्लम। अब मैंने कहा भी यार, ये एक बॉडी SHM कर रही है, तो हमेशा आपके मन में क्या आएगा, हमेशा आपके मन में पेंडुलम आता है, पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है वो आपके मन में आता है, आप हमेशा उसी को कंसिडर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग भी जो है आप चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट सोचिए, पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है, नो डाउट वो पीरियोडिक तो है, लेकिन वो SHM की पूरी पूरी कंडीशन को कभी फॉलो ही नहीं कर सकता है। क्यों? बिकॉज पेंडुलम का जो ऑसिलेशन बेटे होगा वो आर्क में होगा, चेक करो बेटे, वो तो आर्क में होगा, और SHM के लिए ऑसिलेशन मस्ट बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, आप उससे कह सकते हैं कि सर अगर हम एंगुलर एम्पलीट्यूड, मैंने क्या बोला, मैंने कहा एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब ये स्ट्रिंग है अपनी मेन पोजिशन से, देखो भाई बेटे अगर आप ध्यान दें तो पेंडुलम के लिए यही तो आएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे आएगी मैं बताता भी आपको। आपने पेंडुलम को यहां रख के छोड़ा, देखो वो छोड़ा तो ये मूव कर जाएगा, मतलब यहां इक्विलिब्रियम ही नहीं है। जब इक्विलिब्रियम नहीं है तो हम चेक ही नहीं कर पाएंगे कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। आप यहां रख के देखिए, उस टाइम पर अगर आप स्ट्रिंग को छोड़ेंगे, पेंडुलम को छोड़ दीजिए, इसको फिक्स करके यहां से छोड़ दीजिए, तो ये मूव नहीं करेगा, ये रुका रहेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम आया। तो पहली बात तो बेटे ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब मैं इसको हल्का सा आगे ले गया, छोड़ा, अगर और आगे चला जाएगा तो अनस्टेबल होगा, वही रुका रहेगा तो न्यूट्रल, रुका भी नहीं रहेगा ना, और आगे चला जाएगा छोड़ेंगे तो अगेन उसी पोजीशन पे आने की ट्राई करेगा, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम था ये स्टेबल था। अब एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या हुआ, एक बार यहां से मेन पोजीशन से एक साइड में कितना मैक्सिमम एंगल वाइज डिस्प्लेस किया, कितना मैक्सिमम एंगल वाइज डिस्प्लेस किया, इसको बोलेंगे हम लोग एंगुलर एम्पलीट्यूड।
तो अगर हम एंगुलर एम्पलीट्यूड को वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा कर दें, देखो बेटे ध्यान दो, अगर हमने बहुत ही स्मॉल कर दिया, अभी तो लार्ज देखो है ये, अब अगर इसको मैं बहुत छोटा कर दूं, बहुत छोटा कर दूं, तो देखो देखिए अगर इसको मैं बहुत स्मॉल कर दूंगा ऐसा ऐसा, तो अब लगभग ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया, बिकॉज उनको पता है कि कोई भी बेटे अगर कर्व्ड पाथ है तो उसका बहुत स्मॉल सा पार्ट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से मैच कर जाता है। तो अंडर वेरी सुटेबल अप्रोक्सीमेशन हम बोल सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम का मोशन भी, का ऑसिलेशन भी स्ट्रेट लाइन पे आ गया, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन पे आया हुआ है, एक्चुअल में वो होता ही नहीं है, बिकॉज एक्चुअल में मोशन तो आर्क में होता है। हमको अपेरेंटली ऐसा फील होने लगा जब मैंने एंगल को बहुत स्मॉल कर दिया, तो हमको लगने लगा कि इसका ऑसिलेशन एक स्ट्रेट लाइन पे है, ऑल्दो वो हो किस में रहा है, वो एक आर्क में ही हो रहा है। एग्री करते हैं? तो इसका मतलब अगर देखें तो सिंपल पेंडुलम SHM को समझने के लिए, थ्री वाइज प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए सबसे बेकार एग्जाम्पल हुआ, और जबकि आपके मन में पहले ये वाला एग्जाम्पल आता है। अगर आप बेटे आप स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करिए, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी जगह पर हम स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करें, समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं, अगर हम इसी की जगह पर यहां पर स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करें बच्चे, ठीक है, देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम में ये आ गया इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा था कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, यहां पर है कहां होता है, जहां पर स्प्रिंग ना कंप्रेस्ड है ना एलोंगेटेड है, तो ये आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्लियर है ये? अब बच्चे यहां से मैंने क्या करा, ध्यान दीजिएगा, अब अगर मैं इसको हल्का सा एलोंगेट करता हूं, देखो समझिएगा, मैंने इसको हल्का सा क्या करा, यहां से एलोंगेट किया, ज्यादा करूं या कम करूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चे है, अगर मैंने यहां से इसको x अमाउंट एलोंगेट किया, डिस्प्लेस किया, देखो बेटे स्प्रिंग फोर्स इधर आया, इधर का मतलब क्या हो गया, माइनस साइन, बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन कहां पर आ गई, टुवर्ड्स द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो माइनस ऑलरेडी कंटेन हो गया। और बताओ बेटे स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आता है, के एक्स मैग्नीट्यूड, क्लियर हुआ ये? एक्स चाहे कितना ज्यादा कर दो कितना कम कर दो वही तो आता है, माइनस साइन तो आ ही गया, बिकॉज माइनस बता रहा है कि फोर्स कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होगी। तो बताओ यार यहां से मैं कह सकता हूं कि एक्सीलरेशन आ जाएगा के बाई एम इंटू एक्स, भाई ए क्या होगा एफ बाई एम, ये कॉन्स्टेंट आ गया, इंटू एक्स, और बच्चे टेक्निकली साइन कैसा आना चाहिए, माइनस, क्योंकि एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ए प्रोपोर्शनल टू, देखो देखिए एक्स कर गया कि नहीं कर गया, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स करा कि नहीं करा, सोचिए कर रहा है ये, और ए प्रोपोर्शनल टू एक्स हमेशा कर रहा है, चाहे स्प्रिंग को मैं डिस्प्लेस कम कराऊं या ज़्यादा कराऊं। इसलिए अगर हमें SHM को क्लियर करना है या कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास में थ्योरी की आ रखी हुई है, तो उसको कभी भी सिंपल पेंडुलम के रिगार्डिंग सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हमेशा हम इमेजिंग करेंगे कि ये प्रॉब्लम स्प्रिंग मास सिस्टम के रिगार्डिंग ही है, तभी हम SHM की थ्योरी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाने वाला हूं, लिखते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम is the best example, is the best example to understand सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, स्प्रिंग मास सिस्टम का ही एग्जांपल होता है। तो यहां तक आप इसको स्क्रीन को पॉज करके नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों जितना भी डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने थियरी वाइज, उसी पर बेस्ड पहले कुछ एग्जांपल ले लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल नंबर वन, फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन, कि बिल्कुल अभी जितना हमने SHM में डिस्कस किया हुआ है उसी पर बेस्ड एग्जांपल है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय द इक्वेशन F इक्वल्स टू माइनस बी टाइम्स एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन। बात बिल्कुल सही है, इक्विलिब्रियम पोजिशन, इक्विलिब्रियम पर जब नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। अगर हम फोर्स को जीरो करेंगे तो एक्स जीरो आएगा, तो एक्स को जीरो करने पर फोर्स जीरो आएगा, मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो। देखिए
अगर मैं फोर्स को रखता हूं जीरो इक्वल टू माइनस बी एक्स, यहां लिखा हुआ है वेयर बी इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, तो यहां से एक्स इक्वल टू जीरो था, ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। तो एक्स जो है इक्विलिब्रियम पोजिशन इसकी आ गई एक्स इक्वल टू जीरो आ गई, ठीक है। ये x इक्वल टू बेटे क्या हो गया जीरो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x इक्वल टू जीरो आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड b इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। हमको बताना है कि पार्टिकल के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो बेटे आपको गिवन क्या है, गिवन है ए एफ इक्वल्स टू माइनस बी एक्स, यहां से एफ को लिखा मैंने एम ए, तो यहां से ए बेटे आ गया माइनस का बी बाई एम टाइम्स एक्स। देखो बच्चे ए यहां से क्या हो गया, ए प्रोपोर्शनल कर गया माइनस एक्स के, देखो ए बिकॉज बी भी कांस्टेंट है एम भी कांस्टेंट है, इक्वेशन नंबर वन आ गई। लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एन, दैट इज ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बिकॉज फोर्स गिवन है तो ये लीनियर एस एच एम होगा, तो मैंने ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर किया, तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, दैट मीन्स एंटायर बी बाई एम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई एम। ओमेगा को मैं लिखूंगा 2 पाई एफ, मेरे को फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, अगर बोलता फाइंड टाइम पीरियड तो मैं लिखता इसको 2 पाई बाई टी इक्वल टू रूट ऑफ बी बाई एम, तो फ्रीक्वेंसी बेटे आ गई 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ बी बाई एम, ये हमारे पास में उस पार्टिकल के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी आ गई कि पार्टिकल इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ में ऑसिलेट करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन फिनिश हुआ। बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर टू पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग द x एक्सिस इज गिवन बाय u इक्वल टू यू नॉट माइनस यू नॉट टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा x। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विच इज मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। देखो बेटे साफ साफ लिखा रखा हुआ है फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, तो जहां लिखा था स्मॉल ऑसिलेशन हमने उसको डबल अंडरलाइन किया। क्यों किया अभी आपको आगे पता लग जाएगा कि मैंने क्यों इसको फोकस किया। पहली बात तो बेटे ऑसिलेशन की बात कर रहा है तो बहुत फेयर चांसेस हैं कि ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा। अब ये सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है ये डिसाइड कर पाएगा फोर्स या एक्सीलरेशन, एक ही बात है। अगर एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया या ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया तो हम उसको ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करके ओमेगा एंड हेंस फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि यहां पर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी यू की हेल्प से पहले फोर्स निकालना है। अब सोचिए ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स को आपस में रिलेट करता है, तो हमको पता है हमने पढ़ा हुआ है कि यूजिंग फार्मूला यस फोर्स इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल आर, याद करिए, ठीक है। तो जैसे कि एफ एक्स बेटे कितना होगा माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग अदर वेरिएबल्स सच एज वाई एंड जेड एज कॉन्स्टेंट। तो ये बेटे आ गया माइनस का डेल बाई डेल एक्स, तो पहले मैं एफ एक्स निकालूंगा, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू, यू इज यू नॉट माइनस यू नॉट कॉस ऑफ अल्फा एक्स, ठीक है। तो यहां से बेटे हमारे पास में एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है माइनस मैंने अलग कर लिया, दिस इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू नॉट माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू नॉट कॉस ऑफ अल्फा एक्स। यू नॉट इज कॉन्स्टेंट थी तो पूरा पूरा जीरो हो गया, यहां से कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो ये आपका आ गया माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और यू नॉट बाहर आ गया,
फिर d बाई डी एक्स ऑफ कॉस का हो जाता है बेटे है कॉस, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस का हो जाएगा माइनस साइन अल्फा एक्स, और फिर अल्फा एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अल्फा और आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया ओवरऑल, तो ये कितना आ गया माइनस अल्फा यू नॉट टाइम्स साइन ऑफ अल्फा एक्स, ये हमारे पास में एफ एक्स आया। एग्री करते हैं, ऐसे हम निकालेंगे एफ वाई और ऐसे हम निकालेंगे एफ जेड। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स और एफ वाई जीरो आएंगे, सॉरी एफ वाई और एफ जेड दोनों जीरो आएंगे, बिकॉज जब मैं एफ वाई निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का डेल यू बाई डेल वाई। तो अब आपको इस एक्सप्रेशन को वाई के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, कीपिंग एक्स एंड जेड एज कॉन्स्टेंट, तो ये भी कॉन्स्टेंट यू नॉट, और पूरा पूरा एक्स वाला फैक्टर भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो कंप्लीट कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो ऐसे एफ वाई और एफ जेड जीरो आ जाएंगे, तो ओवरऑल जो नेट फोर्स आया क्लियर वाई वो कितना हो गया हमारे पास में एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड जेड के कैप, एफ वाई और एफ जेड जीरो हैं, तो नेट फोर्स आपका आ गया माइनस का अल्फा इंटू यू नॉट टाइम साइन ऑफ अल्फा एक्स, सही है। एग्री करते हैं, अब बच्चे एफ को मैं लिखूंगा एम ए, तो यहां से बेटे ए जो आ गया कितना आ गया माइनस का अल्फा इंटू यू नॉट अपॉन एम टाइम्स साइन ऑफ अल्फा एक्स। बच्चे देखो ध्यान दीजिए, अभी ये ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स पे नहीं आ पाया है, अभी ये ए प्रोपोर्शनल टू, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो प्रोपोर्शनल माइनस का साइन ऑफ अल्फा एक्स आया हुआ है, बट साफ साफ लिखा हुआ है फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन असाइन किया, हमको पता होता है फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, इसका ऑसिलेशन बहुत ही स्मॉल है, मतलब जो ये x एक्सिस में जो आगे जाएगा फिर बैक आएगा, तो जितना आगे जाएगा वो वैल्यू बहुत छोटी सी है, तो x बहुत छोटा है, मतलब साइन ऑफ अल्फा x बहुत छोटा हो जाएगा, तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस वी हैव, हमने पढ़ा हुआ है कि स्मॉल एंगल पे साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो वी हैव क्या जाएगा साइन ऑफ अल्फा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा एक्स, क्लियर है ये। तो सब्स्टिट्यूटिंग द अप्रोक्सीमेशन साइन ऑफ अल्फा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा एक्स इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन में इसको रख के देखिए क्या बन जाएगा बेटे, यहां से ए कितना आ गया माइनस का अल्फा इंटू यू नॉट बाई एम, और साइन ऑफ थीटा इज सेम एज थीटा, साइन ऑफ थीटा थीटा इज सेम एज थीटा, तो ये बेटे यहां से क्या आ गया a इक्वल्स टू माइनस का अल्फा स्क्वायर यू नॉट अपॉन m टाइम्स x, इक्वेशन नंबर टू आई कि नहीं आई चेक करो बेटे। और जैसे हमारे पास में इक्वेशन नंबर टू आ गई, अब देखिए यहां से a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बन गया, अब चेक करिए, देखिए यहां से a जो है वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल कर गया, अब चेक करिए कैसे, ये देखो क्या लिखा, मैं इसको अलग से लिखता हूं, a इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वायर यू नॉट बाई एम टाइम्स एक्स, तो इस इक्वेशन नंबर टू को लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर टू विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, दैट इज ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो बेटे यहां से ओमेगा स्क्वायर आ गया अल्फा स्क्वायर यू नॉट अपॉन एम, तो ओमेगा बेटे इसका अंडर रूट आ जाएगा, और हमको फाइंड क्या करना है टाइम पीरियड, तो ओमेगा को मैं लिखूंगा टू पाई बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो t इक्वल्स टू बेटे कितना आ गया 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू यू नॉट, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं t इक्वल टू 2 पाई अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट अल्फा आ जाएगा m अपॉन यू नॉट, ये हमारे पास में टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया, टाइम पीरियड का आंसर आ गया। तो हमने ये एग्जांपल नंबर टू भी फिनिश किया और देखा हम लोगों ने कि किस तरह से अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन गिवन है तो हम उसके थ्रू पहले फोर्स निकालेंगे, फिर स्मॉल ऑसिलेशन की कंडीशन को यूज़ करके जैसे यूज़ किया हमने तो तुरंत इक्वेशन हमारे पास में ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की फॉर्म में आ गई, और ये लीनियर एस एच एम की इक्वेशन होती है, कंपेयर किया टाइम पीरियड फाइंड कर लिया। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स एंड इट्स मोशन इज फाउंड टू बी ऑसिलेटरी, ये लिखा नहीं हुआ है कि सिंपल हार्मोनिक है, जितने सिंपल हार्मोनिक होंगे वो ऑसिलेटरी भी होंगे और ऑसिलेटरी है तो पीरियोडिक भी होंगे, बट जितने पीरियोडिक होंगे जरूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी हों,
कैसे? देखिए, अगर एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो देखो देखिए, एक फिक्स टाइम के बाद में पार्टिकल अपनी पोजीशन और वेलोसिटी को कॉपी कर रहा है, तो ये मोशन पीरियोडिक तो हुआ, बट ये टू एंड फ्रो नहीं है, तो ऑसिलेटरी नहीं है। हाँ, जितने ऑसिलेटरी होंगे दे मस्ट बी पीरियोडिक, जितने सिंपल हार्मोनिक होंगे वो ऑसिलेटरी भी होंगे पीरियोडिक भी होंगे, ऑसिलेटरी भी हैं पीरियोडिक भी हैं, और साथ में अगर ऑसिलेशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है और साथ में एक्सीलरेशन या फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल कर रहा है, जहां पर एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो वो ऑसिलेट, तो वो स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक कहलाएगा। अब देखो जी, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में कहीं पर ये नहीं दिया गया है कि हम SHM की बात कर रहे हैं। बोला गया अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स एंड इट्स मोशन इज फाउंड टू बी ऑसिलेटरी, मीन्स पार्टिकल का जो मोशन है इज फाउंड टू बी ऑसिलेटरी, पार्टिकल का मोशन जो था वो ऑसिलेटरी पाया गया। द पॉसिबल फोर्स और फोर्सेज अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर। चलिए, हमको चार ऑप्शन में देखना है कि कौन सा या कौन कौन से फोर्स पॉसिबल हैं जो ऑसिलेटरी मोशन को करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने ऑप्शन नंबर एक उठाया, हीट एंड ट्रायल प्रोसेस रखते हैं। मैं ए और बी को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप अपने आप जो है सी और डी को भी देख लेंगे, ठीक है, या मैं चलो चारों कर देता हूं। तो ए बेटे गिवन आपको है एफ इक्वल्स टू कितना गिवन है, माइनस टू टाइम्स एक्स माइनस टू, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये मोशन ऑसिलेटरी है या नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो होता है, और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, बेटर होता है बोलना इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना। और ऑसिलेटरी मोशन के लिए इक्विलिब्रियम मस्ट बी स्टेबल। तो पहली बात तो बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, बात करेंगे तो फॉर इक्विलिब्रियम F इक्वल टू जीरो, तो F को मैंने जीरो किया, तो जीरो इक्वल्स टू बेटे क्या आ गया, माइनस टू टाइम्स x माइनस टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से बेटे हमारे पास में x की वैल्यू 2 मीटर आ गई, तो 2 मीटर जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आई। अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऑसिलेटरी मोशन के लिए इक्विलिब्रियम मस्ट बी स्टेबल, तभी तो जब मैं इसको इक्विलिब्रियम से राइट लेके जाऊंगा तो फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड, तो सपोर्ट लगेगा लेफ्ट साइड, ताकि वो आगे जाकर के रिटार्ड करे, जीरो स्पीड हो और दोगन अगेन बैक टू सेम प्लेस। फिर जब यहां से इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, लेफ्ट लेके जाऊंगा, तो फोर्स लगेगा राइट साइड में, तभी वो आगे जाकर रुकेगा और अल्टीमेटली बैक टू सेम पोजिशन, तभी वो टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर पाएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए द इक्विलिब्रियम मस्ट बी स्टेबल, ये क्लियर है ये, ठीक है ना। तो हमने देखा कि फॉर SHM फॉर, तो सो हम पहले कह सकते हैं कि सो x इक्वल टू 2 मीटर इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना। फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन एज वेल एज फॉर ऑसिलेटरी मोशन, एज वेल एज फॉर ऑसिलेटरी मोशन, चाहे वो SHM की बात करूं मैं, चाहे मैं ऑसिलेटरी मोशन की बात करूं, तो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन एज वेल एज फॉर ऑसिलेटरी मोशन द इक्विलिब्रियम पोजिशन मस्ट बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो 100% स्टेबल होनी चाहिए, तभी वो ऑसिलेट कर पाएगा, तभी वो SHM कर पाएगा। बिकॉज SHM इज आल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन के लिए टू एंड फ्रो मोशन के लिए इक्विलिब्रियम मस्ट बी स्टेबल, क्लियर है ये। तो अब देखो, ध्यान दो, कैसे हम वेरीफाई करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन देखता हूं, तो एक्स इक्वल टू 2 मीटर जो बेटे आया, ये आ गया हमारे पास में इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, एग्री करते हैं। अब हम x इक्वल टू 2 मीटर से पार्टिकल को अगर मैं राइट डिस्प्लेस करता हूं, राइट में यहां पर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो जब मैं राइट डिस्प्लेस करूंगा, तो अगर मैंने डिस्प्लेस इसको राइट किया तो फोर्स पक्का लेफ्ट में लगना चाहिए, और जब मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट में डिस्प्लेस करूंगा
तो फोर्स 100% राइट में लगना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कंफर्म है कि मोशन ऑसिलेटरी होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने डिस्प्लेस राइट में किया, फोर्स भी राइट साइड में आ गया, तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने डिस्प्लेस लेफ्ट में किया, फोर्स भी लेफ्ट में आ गया, तो इक्विलिब्रियम हो गया अनस्टेबल, मतलब वो SHM सॉरी वो ऑसिलेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। एग्री करते हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं, जब मैंने इसको ये x इक्वल टू लिखा हुआ है, 2 से मैं बॉडी को राइट ले जाऊंगा तो x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी ना, 2 ये है, यहाँ 0 होगा या 1 होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। जब मैं x को, जब मैं पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से राइट ले जाऊंगा तो x की वैल्यू जो आएगी इधर की तरफ जो आएगी ऑब्वियसली मोर देन 2 मीटर आएगी आएगी। जब बेटे x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, x जब 2 से बड़ा होगा तो ये वाला फैक्टर बेटे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। अगर ये 3 है तो 3 माइनस 2 1 पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव है और ये लगा हुआ है माइनस, तो f का साइन नेगेटिव आया। f का साइन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के पास मॉड और डायरेक्शन होती है, नेगेटिव साइन, साइन ऑलवेज गोज इनटू डायरेक्शन। तो अगर f नेगेटिव आया इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव x की तरफ आ रही है, जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स की तरफ आ रही है। देखिए यही तो होता है, इक्विलिब्रियम पे मैंने राइट डिस्प्लेस किया तो फोर्स आ गया लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अच्छा अब रुकिए, चेक और क्या चेक करते हैं। अब अगर मान लो मैं इसको लेफ्ट लेके जाता हूँ तो एक्स इक्वल टू से लेफ्ट में लेके जाएंगे तो एक्स की वैल्यू टू से कम हो जाएगी ना, इधर की तरफ अगर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू टू मीटर से कम आएगी, से वन मीटर आ रही है, तो वन रखिए तो नेगेटिव आया, ये नेगेटिव हुआ और ये नेगेटिव पॉजिटिव हुआ। एफ पॉजिटिव का मतलब हो गया कि फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है। यस, ये क्लियर हो गया कि 100% बता रहा है कि फोर्स जो है जिधर मैं डिस्प्लेस करता हूँ फोर्स हमेशा उसके अपोजिट आ रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन जो आ रही है देखिए वो ऑलवेज टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। तो यहाँ से क्लियर हुआ, हम कह सकते हैं ये हेंस x इक्वल टू 2 मीटर इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर हुआ ये, सीख है ना। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो मैं कह सकता हूं कि सो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F equals to minus 2 times x minus 2, the particle will oscillate. द पार्टिकल विल ऑसिलेट, तो डेफिनेटली पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब एक्स, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें पार्टिकल इस फोर्स के इन्फ्लुएंस से पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। मेरा पॉइंट क्लियर बैठे हुआ ही है। अब बच्चे जरा हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ये तो आपने स्क्रीन को पॉज करके नोट पहले कर लीजिए कि ऐसे जज किया आता है। अब आप पहले सेल्फ स्क्रीन को पहले आप खुद सॉल्व करिए, ऑप्शन नंबर बी को चेक करिए कि ऑप्शन नंबर बी वाले केस में वो ऑसिलेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसके बाद फिर आप मेरे सोल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। अब हम जरा ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं और देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यहां पर आपको फोर्स दिया गया है माइनस टू टाइम्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर दे रखा हुआ है। सबसे पहली बात तो यार ये है कि फोर्स को जीरो करिए तो जो एक्स की वैल्यू आएगी, क्लियर हुआ, यहां पर जीरो किया, दिस इंप्लाइजेस एक्स इक्वल टू 2 मीटर। अब x इक्वल टू 2 मीटर ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो हो गई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब हमें देखना है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो ये बनाया x इक्वल टू 2 मीटर, यहां पर फोर्स तो जीरो है, ठीक है। अब मैं पार्टिकल को यहां से राइट डिस्प्लेस करूंगा, पहले मैं एक बार राइट डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है, x मोर देन 2 मीटर यहां पर आएगा। अब अगर फोर्स लेफ्ट भी लग जाएगा और लेफ्ट करने पे फोर्स राइट भी लगेगा तभी हो पाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बच्चों मैंने पार्टिकल को राइट डिस्प्लेस किया तो x की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई, वैसे भी चाहे x की वैल्यू 2 से बड़ी हो या छोटी हो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ही आएगा बेटे, ऐसे देखो ना, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, x अगर 2 से बड़ा है तो ये x तो ये पॉजिटिव भी होगा, उसका स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव और ये माइनस तो पक्की बात है फोर्स लग गया नेगेटिव की तरफ।
अभी आप नहीं कह सकते हैं कि ऑसिलेट करेगा, हमको दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, पार्टिकल को इसके इक्विलिब्रियम से लेफ्ट में डिस्प्लेस किया। जब मैं यहां पर करूंगा तो x की वैल्यू 2 मीटर से कम आएगी, x 2 से कम होगा, 2 से कम से 1 मान लीजिए, 1 माइनस 2 तो नेगेटिव का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आया तो फोर्स अभी भी नेगेटिव लग रहा है, मतलब फोर्स अभी भी नेगेटिव x की तरफ लग रहा है। ये बताइए, जब मैंने पार्टिकल को लेफ्ट डिस्प्लेस किया था तो फोर्स स्टेबल का मतलब हो गया कि मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं तो फोर्स इधर लड़ना चाहिए ताकि वापस उसको लेके आना चाहिए, जबकि फोर्स क्या कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है और आगे चला जाए। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? इसका मतलब ये ओवरऑल दोनों तरफ देखना पड़ता है, इक्विलिब्रियम के दोनों तरफ चेक करना पड़ता है कि अगर राइट डिस्प्लेस किया तो फोर्स लेफ्ट आना चाहिए, लेफ्ट किया तो फोर्स राइट आना चाहिए, तब हम कहेंगे श्योरिटी से कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है। यहां ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्लियर हुआ ये? इसका मतलब एक्स इक्वल टू जो 2 मीटर था इज नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम, इज नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, एंड हेंस पार्टिकल कैन नॉट ऑसिलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स दिस, एंड हेंस पार्टिकल कैन नॉट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स F इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स एक्स माइनस टू का स्क्वायर। इस केस में पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर नहीं हुआ। एग्री करते हैं बेटे हैं? अब इसके बाद में हम ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बेटे क्या लिखा हुआ है, F इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स एक्स माइनस टू का होल क्यूब। एग्री करते हैं? ठीक है, पहली बात तो मैंने F को जीरो किया, ठीक है, तो एक्स माइनस टू का होल क्यूब इसका सलूशन फिर अगेन वही आ गया, x इक्वल टू मीटर, x इक्वल टू मीटर रखने पर ही जो है ये आपका फोर्स जीरो हो पाएगा, मतलब x 2 मीटर पे इक्विलिब्रियम तो है, अब चेक करना है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। एग्री करते हैं बेटे? हमने क्या करा, फिर से वही चीज, x इक्वल टू 2 मीटर वाला बनाया, यहां पर तो फोर्स जीरो है, मैं x इक्वल टू मीटर के एक बार मैंने राइट साइड में इसको डिस्प्लेस किया, मतलब x की वैल्यू मैंने 2 से बड़ी रखी हुई है। जब x की वैल्यू 2 से मैं बड़ी रखूंगा, देखो ये है होल, इस बार ये चीज लिखी हुई होल क्यूब है ये, जब x की 2 से बड़ी है तो 2 से बड़ा से 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, तो x माइनस टू पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का होल क्यूब पॉजिटिव होगा, ये माइनस लगा हुआ, तो f की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मीन्स फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट राइट है, राइट के अपोजिट लेफ्ट में है, पॉजिटिव मीन्स राइट, नेगेटिव मीन्स लेफ्ट, ठीक है ना। अब हम अभी नहीं कह सकते हैं कि अभी तो दिख रहा है कि यहां से देने पर ये पीछे आ रहा है, लेकिन हम दोनों तरफ चेक करेंगे। अब मैं पार्टिकल को डिस्प्लेस करूंगा इधर की तरफ, अब यहां पर x की वैल्यू 2 से कम होगी, 2 मीटर से कम होगी, से 1 मीटर मानिए, 0 मानिए, तो इसको जो चाहे 0 मान लीजिए, 1 मानेंगे, तो ये माइनस टू, मतलब ये अगर ये x 2 से कम है, से 1 है, तो ये माइनस 1 आया, 0 है तो ये माइनस 2 आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव का होल क्यूब करने पर नेगेटिव आएगा, किसी नेगेटिव का इवन पावर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ऑड पावर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो फिर ये फैक्टर बेटे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव माइनस नेगेटिव तो पॉजिटिव आ गया, तो फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ हो गई। यस, जब पार्टिकल को राइट डिस्प्लेस किया तो फोर्स लेफ्ट में आया, पार्टिकल को लेफ्ट डिस्प्लेस किया फोर्स राइट पे आ गया, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इस फोर्स की इन्फ्लुएंस पे भी वो ऑसिलेट करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया। एग्री करते हैं? अब जरा हम ऑप्शन नंबर डी को भी जरा जो है एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी भी राइट है कि नहीं है, देखते हैं, चेक करके देखते हैं पहले कि ऑप्शन नंबर डी राइट है कि नहीं है, उसको भी चेक करते हैं। F बेटे हमें गिवन है 2 टाइम्स x माइनस 2, तो ऑब्वियस सी बात है F इक्वल टू 0 में जब करूंगा तो x की वैल्यू 2 मीटर आएगी, 2 मीटर बेटे ये इक्विलिब्रियम तो हो गया, मैंने नंबर लाइन पे 2 मीटर वाला प्लॉट किया, ये 0 1 2 ये x इक्वल टू 2 मीटर आ गया, ठीक है, मैंने पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से राइट साइड में डिस्प्लेस किया, मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, जब ये 2 से बड़ा है
तीन है, चार है, तो माइनस टू पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो फोर्स पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव एक्स की तरफ एड करेगा। यही से क्लियर हो गया कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, बिकॉज जब पार्टिकल को राइट डिस्प्लेस करा था तो फोर्स लेफ्ट आना चाहिए था, पार्टिकल को लेफ्ट करने पे फोर्स राइट आना चाहिए था। बाकी अब यहाँ तो देख ही लिया आपने, ठीक है ना, मैं पार्टिकल को अगर डिस्प्लेस करता हूँ टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, अब x की वैल्यू 2 मीटर से कम होगी, तो ये नेगेटिव बेटे हो गया, ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल नेगेटिव आ गया, मतलब फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव x पर आ गई। एग्री कर रहे हैं बच्चे हैं, ठीक है, बताइए ये स्टेबल है कि नहीं है, नहीं है, तो x इक्वल टू 2 मीटर जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। क्लियर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेबल ही नहीं है तो ऑसिलेट नहीं करेगा, ऑसिलेट के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम को होना मस्ट है, तो हमारा आंसर केवल ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी आएंगे। एग्री करते हैं, कुछ और भी बातों को डिस्कस कर लें। ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में दोनों पार्टिकल ऑसिलेट तो कर रहा है, ठीक है ना, अभी हम आगे जब फ्यूचर में भी कुछ और भी ऐसे टाइम को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में जो ऑसिलेशन के साथ साथ SHM को भी शो करेगा, ऑप्शन नंबर सी में केवल ये ऑसिलेट करेगा, मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, जिसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्लियर है ये, तो ये मैंने जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश किया।